शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, किडनी की समस्या गंभीर समस्या और बहुत गंभीर समस्या, और जूझने वाले को पता होता है कि डायलिसिस कितना खतरनाक है और ये समस्या किस प्रकार से बढ़ती है। जिसका क्रिएटिनिन कम है उसका डायलिसिस शुरू होता है, डायलिसिस वाले के ट्रांसप्लांट शुरू होता है। हम लगातार आपको बताते चले आ रहे हैं कि किस प्रकार से किडनी का इलाज संभव है और कर्मा आयुर्वेदा ये प्रूव कर चुका है कि किडनी को रिवाइव करना पॉसिबल है। और ऐसे आज की डेट में हमारे पास हजारों की संख्या में वीडियोस उपलब्ध है, रिपोर्ट उपलब्ध है जिनको लाभ हुआ है। आज इसी उसमें मिलेंगे हम एक और पेशेंट से, जानेंगे उनसे क्या समस्याएं थी और कैसे कैसे आराम हुए हैं। क्या नाम है? हाँ सर, मेरा नाम अवधेश कुमार हुआ। अवधेश कुमार, yes. कहाँ के निवासी हैं? मैं वैसे रहने वाला झारखंड का हूँ, बट अभी नोएडा में रहता हूँ, सेक्टर 49 में। अच्छा। मेरे को करीबन आज से 4-5-6 महीने 7 महीने पहले की बात है, दिसंबर में मेरे को एक बार डायलिसिस हुआ था। चूँकि उस वक्त हुआ सर्कमस्टांसेस ऐसा था कि वोमिटिंग काफ़ी हो रही थी हमें, फिर शरीर में पूरा सूजन हो गया था। तो मैंने उस वक्त टाइम मैंने 40 में किसी डॉक्टर्स को दिखलाए थे मैंने, तो डॉक्टर्स को दिखलाने के बाद उन्होंने मेरे को, मेरा पोटाशियम वगैरह काफ़ी हाई हो गया था, तो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया था कि आपको डायलिसिस लेना पड़ेगा। फिर मैंने, फिर और कोई रास्ता नहीं था, फिर मैंने बोला चलो ठीक है सर, जो आपको बेस्ट पॉसिबल लगे वो आप कर लीजिए। फिर उन्होंने डायलिसिस किया। डायलिसिस करने के बाद फिर हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी से लगी, क्या डायलिसिस करना सेहत के लिए पता नहीं ठीक है नहीं। बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोगों ने सुन चुके थे कि डायलिसिस वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो फिर आपका, मैंने ऐसे ही किसी दिन, एक दिन यूट्यूब पे मैंने आपका देखा उस वीडियो में, तो उसे मैंने को, मैंने पूरा रात भर स्टडी किया उसका कि भाई कैसे क्या है, काफ़ी वीडियो देखा आपने। हमने देखने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, ये बार डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो मैं आपके पास पिछले साल 2019 में जनवरी में हम आए थे, हम आपके पास 10-12 जनवरी को आए, और आने के बाद जब हमने आपसे दवा स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद जो भी हमारी जैसे वोमिटिंग हो रहा था, मतलब हल्का सा ब्रश करते थे वोमिटिंग हो जाता, कुछ भी खाए वोमिटिंग हो गया, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। पेट में जो सूजन वगैरह था वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। जो भूख नहीं लगती थी मेरे को, 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। एक तो भूख नहीं लगना, रात में हम सो नहीं पाते थे और दर्द होता था, ये सारी चीज़ें मेरे धीरे 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 करके 1-1.5 महीने के अंदर में धीरे धीरे रिजॉल्व हो गया। तो उस चीज़ से मेरे को अभी तक ऐसा कोई, मेरे को कोई मतलब परेशानी आज तक नहीं आया। अभी थोड़ी सी बस दिक्कत यही है कि हल्का सा मतलब वीकनेस है, बट मैं दवा से इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ कि जितने भी हमारे चीज़, जैसे ब्लड शुगर था शुगर कंट्रोल हो गया, बीपी कंट्रोल हो गया, और जितने भी हमारे और जो साइड से जो प्रॉब्लम कर रहा था जैसे सूजन वगैरह, ये सब तो खैर दूर की बात है सर, और बस सिर्फ एक ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वीकनेस का, वो भी ग्रेजुअली। यस, अब पहले क्या था कि थकावट ज़्यादा हो जाती, ज़्यादा चल नहीं पाते थे, ज़्यादा ये नहीं कर पाते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गया सर। अब ये है कि सिर्फ वीकनेस है, थोड़ा सा डाइट में वगैरह में थोड़ा चेंज, जमीन आसमान पहले और अब में बहुत अंदर है, बहुत अंदर है। मैं खुद, मैंने हमारे 2-3 दोस्त लोगों को मैंने सेंड किया था, उन्होंने भी आके दिखलाया आपके यहाँ से, मैंने उनको गाइड किया था कि एक काम करो, एक बार साहब सर से मिल के एक बार आप एडवाइस करके देख लो कि क्या मेडिसिन है, कैसे है इसको। फिर चूँकि मेरे को जो बेनिफिट हुआ मैंने अपने दोस्तों लोगों को शेयर किया इस चीज़ का, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो आए भी थे दिखाने के लिए, तो उन्होंने, उनका भी अभी मेडिसिन चालू, रिसेंटली चालू किया उन्होंने, तो है बेनिफिट उन लोगों का सर, हमें तो काफ़ी बेनिफिट हुआ सर। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सर, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि इंसान, एक चीज़ है कि मैंने खुद, हमारे फैमिली में एक दो ऐसे मेंबर थे जिन्हों की किडनी के प्रॉब्लम से उनके डेथ भी हो चुकी थी। यस सर, तो मैं बड़ा चिंतित हो गया था, मेरे को रात रात भी नींद नहीं आती थी, फैमिली लोग बड़े काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके थे कि यार ऐसे क्या ऐसी है। तो फिर मैंने काफ़ी स्टडी करने के बाद फिर मैंने आपसे सलाह लिया, आपसे आके मिला सर, मिलने के बाद आज वो इतना बेटर पोजिशन है कि मैं काफ़ी अच्छा फील करता हूँ, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे को किडनी की प्रॉब्लम इस तरह से है, बट थोड़ा सा रिपोर्ट में है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले से तो काफी इंप्रूवमेंट है, काफी डायलिसिस चल रहा था पहले। हाँ, डायलिसिस था सर, डायलिसिस पर थे पेशेंट। हाँ, डायलिसिस तो नहीं करा रहे, 8 महीने हो गए डायलिसिस, 8 महीने से डायलिसिस इनका कंप्लीटली बंद है, 8 months एंड पेशेंट इज नॉट ऑन डायलिसिस राइट नाउ। यस सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात, बिल्कुल।
वही है सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जो मेरा इम्प्रूवमेंट और क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था जब आप डायलिसिस करा रहे थे। बिल्कुल सर बढ़ा हुआ था, 7 के आसपास था सर। 7 के आसपास? हां हां, जब डायलिसिस करा रहे थे उस समय सर? उस वक्त 7 था सर। और अब बगैर डायलिसिस यानी 8 एक मंथ विदाउट डायलिसिस क्रिएटिनिन कितना है अभी? 3.5 है सर। 3.5 हां सर है सर, मेरे को काफी बेनिफिट है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ, ऐसी बात नहीं है। और मैंने और भी लोगों हैं हमारे जो, उनको मैंने बताया कि सर आप ही काम करो, ज्यादा परेशानी से बेटर है कि और साफ सबसे मिलके और अपना सही से ले लो सर से कि क्या करते हैं, तो है सर। इस तो बहुत अच्छी बात है सर, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आपको नजर आए सर। बिल्कुल है, मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि जिसका कोई सहारा नहीं है सर, कम से कम आपसे मिलने के बाद इतना तो जिंदगी में इंसान को सहारा मिल जाता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, कुछ कर रहा सर। ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात बोली, जो बेस्ट हो सकता है हम करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहेंगे उन किडनी पेशेंट्स को जो इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं? सर मैं तो काफी लोगों से भी शेयर किया और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार, कम से कम एक बार जाके जरूर डॉक्टर से मिलें, दिखलाएं अपना, एक बार सजेशन लें साहब को कि भाई क्या है कैसे है, उसके बाद जो भी हो लेकिन एक बार जरूर मिले डॉक्टर साहब से। मैंने ऐसे भी 3-4 पेशेंट को भेजा है सर, आया है, वहाँ से रिलीव हुआ है, उसको फायदा भी हो रहे हैं। और मैं सारे लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ सर कि अगर इस समस्या से कोई जूझ रहे हैं तो एक बार डॉक्टर साहब से जरूर सलाह लें। बिल्कुल, और मैं ये अपने लाइफ में ये सोचता हूँ कि मैं जिससे, अगर हमारी जिंदगी तक मैं जिससे हमारी मुलाकात होगी, मैं इतना जरूर शेयर करूँगा कि मैं आपसे एक बार जरूर सलाह देने के लिए उसको एडवाइस करूँगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनको नजर आए हैं। अवधेश सिन्हा जी डायलिसिस पर थे, 8 महीने से डायलिसिस नहीं हुआ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, 8 के आसपास आ गया था, क्रिएटिनिन अब 3 की रेंज में आ गया विदाउट डायलिसिस। फिनोमिनल रिजल्ट्स आप दे, वेरी गुड रिजल्ट्स इन जिंदगी आप दे। आप इनकी रिपोर्ट भी साथ साथ अटैच कर दीजिएगा सो दैट सारे जो वीडियोस देख रहे हैं उनको रिपोर्ट्स के माध्यम से भी पता चले। रिपोर्ट्स लाए ना आप? हाँ लाए सर। रिपोर्ट्स मैं आपकी स्कैन करके लगवा दूंगा ताकि आपकी जो है ना रिपोर्ट के उसमें डिफरेंसेस जरूर पता चले सर। ठीक है सर। डायलिसिस तो पहले चल रहा था, बाहर तक क्रिएटिनिन, बगैर डायलिसिस से क्रिएटिनिन 3 हुआ है। 3 हुआ सर। जब अवधेश कुमार सिन्हा ओरिजिनली फ्रॉम झारखंड करंटली रिजाइडिंग इन नोएडा, यस सर, उनको लाभ हो सकता है, पूरे विश्व के सभी मरीजों को लाभ हो सकता है। मैंने खुद बोला है सर सारे पेशेंट्स को, जब हमारी कंडीशन जो थी सर, मैं आपसे शेयर कर रहा था कि मेरे इतना स्थिति हमारी खराब थी कि मैं ऑफिस जाता था तो ऑफिस में ना बैठे बैठे वॉमिटिंग हो जाता था, मैं कुछ खा नहीं पाता था, ब्रश नहीं कर पाता था, ब्रश जैसे किया तुरंत लगा कि एकदम, और बिल्कुल ये हो गया था सर कि मैं बड़ा हिम्मत हार चुके थे तो। लेकिन सर आपसे मिलने के बाद मेरे को भगवान ने बहुत हेल्प किया, बहुत मदद हुआ मिले आपसे सर, और जब से दवा लिया हूँ तब से मेरे को मतलब वो ये सोच लीजिए कि 90% मैं बिल्कुल फिट हूँ सर। 90% बिल्कुल यस सर। 10% है जो वीकनेस है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ सर, उसका भी हमें कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि मेरा शुगर भी कंट्रोल हो गया है सर, बीपी भी कंट्रोल है, और बाकी किडनी का तो रिपोर्ट धीरे धीरे डाउन हो ही रहा है सर। बस ये है सर, बहुत अच्छे रिजल्ट इनको नजर आए हैं, और बीपी कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल है, किडनी में डायलिसिस की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत कृपा है सर, और प्रॉपर पर लोगों की कृपा तो है सर, लेकिन आपके थ्रू किसी का जिंदगी मिल जाए सर सबसे बड़ी चीज़ है सर। देने वाले तो ऊपर वाले, लेकिन एक माध्यम है सर, वो चीज़ है सर, वो चीज़ मैं सारे लोगों के साथ में शेयर करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा सर, ये बात है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पूरा बताया अच्छे से, और जिससे और लोगों को भी इससे लाभ लाभ होता है। बिल्कुल सर। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 0987171205001 4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।